छात्रों, इस वीडियो के द्वारा हम वर्ण विच्छेद देखने वाले हैं। देखिए, शब्द की निर्मिति स्वर और व्यंजन मिलकर होती हैं, और जब शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है तभी वर्ण विच्छेद कहलाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर वर्ण विच्छेद की परिभाषा है, शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो शब्द में क्या होता है, स्वर और व्यंजन, इनका मेल होता है तभी शब्द तैयार होता है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ शब्द हैं, उनका वर्ण विच्छेद हम करने वाले हैं। देखिए ध्यानपूर्वक इस शब्दों को और उनका वर्ण विच्छेद किस तरह से किया जाता है, इसकी तरफ ध्यान दो। पहला शब्द है दीपावली। देखो शब्द कौन सा है, दीपावली। तो यहाँ पर पहला जो वर्ण है वो है द। द को हलंत लगाते हैं, क्योंकि यह इसमें से हमें क्या करना है, स्वर को अलग करना है। स्वर जब अलग होता है तब यह आधा हो जाता है शब्द अवर्ण। तो देखिए, द इसमें से हमने स्वर निकाला, कौन सा स्वर है इसमें, बड़ी का। तो यहाँ पर देखिए, बड़ी का स्वर है इसमें, उसे हमने अलग किया। धन, यहाँ पर धन दिया, धन यह चिन्ह है। उसके बाद कौन सा व्यंजन है, प, प व्यंजन है। तो यहाँ पर हमने प लिखा, उसको हलंत लगाया नीचे, और इसमें से हमें क्या करना है, अभी स्वर निकालना है। स्वर कौन सा है इसमें, आ का स्वर है। तो यहाँ पर देखिए, आ का स्वर लगाया। उसके बाद यह अभी यहाँ पर पा पूरा हो गया, यहाँ पर द ई मिलकर दी, प आ मिलकर पा। अगला कौन सा है, व। देखिए, व यह व्यंजन है, उसमें से हमें क्या, अभी यहाँ पर कौन सा स्वर नहीं दिख रहा है, कौन सी मात्रा नहीं लगी है, तो इसमें कौन सा स्वर होगा, अ का स्वर होगा। देखिए, यहाँ पर अ का स्वर होता है। जब इसको हलंत लगा दिया जाता है तब इसमें कौन सा भी स्वर नहीं होता है, इसका स्वर हमने अलग किया है अभी, देखिए, इसलिए यहाँ पर हलंत लगाया है। उसके बाद है ली, उसके बाद कौन सा वर्ण है, ल। तो ल यहाँ पर हमने लिखा, और इसमें जो स्वर छिपा है ई, बड़ी का, वो हमने अलग किया। तो यहाँ पर देखिए, द धन ई, धन प, धन आ, धन व, धन अ, धन ल, धन ई, ऐसे वर्ण विच्छेद तैयार होता है। सब वर्णों को हमने अलग अलग किया, इसमें से व्यंजन अलग किया, स्वर अलग किया, तो ये बना क्या, वर्ण विच्छेद। देखिए, यहाँ पर दूसरा शब्द है दिनकर। यहाँ पर द, उसमें से हम क्या करेंगे, स्वर अलग करेंगे, तो स्वर है ई, छोटी ई, यहाँ पर छोटी ई का स्वर है तो अलग किया इसको। उसके बाद है न, न उसको हलंत लगाया, इसमें जो स्वर है अ का, वो हमने यहाँ पर लिखा, ध्यानपूर्वक देखिए इसको। उसके बाद है क, धन लगाकर यहाँ पर क लिखा, उसके नीचे हलंत लगाया, क में कौन सा स्वर छिपा है, अ का स्वर छिपा है। उसके बाद र, उसके बाद र, र को हलंत लगाया और अ। तो यहाँ पर वर्ण विच्छेद हुआ, द धन ई, धन न, धन अ, धन क, धन अ, धन र, धन अ। तो शब्द बनता है दिनकर। देखिए, तीसरा शब्द है कलाकार। यहाँ पर क में अ का स्वर छिपा है, उसके बाद ल यह वर्ण आता है, ल का, ल को हलंत लगाया, उसके बाद यहाँ पर कौन सा स्वर है, आ का स्वर है। उसके बाद क, कलाकार, उसके बाद क्या है, कलाकार, क को हलंत लगाया, इसमें आ का स्वर, आ का स्वर आगे लिखा। उसके बाद र, र को हलंत लगाया, अ का स्वर लिखा। देखिए, क धन अ, धन ल, धन आ, धन क, धन आ, धन र, धन अ। तो शब्द बनता है कलाकार। देखिए, यहाँ पर बुद्धिमान शब्द है। बुद्धिमान शब्द में देखिए,
पहला वर्ण जो है वो है ब, ब को आधा किया, उसमें जो स्वर छिपा है वह है उ, छोटा उ। उसके बाद है द, द को पहले ही हलंत लगाया है क्योंकि यह जोड़ शब्द है, यह ध को मिला हुआ है, इसलिए यहाँ पर द हमने आधा लिखा है, वो आधा ही है। उसके बाद ध, ध को हलंत लगाया और उसके बाद क्या है, पहली ई यानि छोटी ई। अब यहाँ पर हो गया बुद्धि, बुद्धि आगे क्या है, म, म को हलंत लगाया, इसमें आ का स्वर छिपा है और न। देखिए यहाँ पर शब्द हो गया, वर्ण विच्छेद हो गया, देखिए क्या, ब धन उ धन द धन ध धन ई धन म धन आ धन न धन अ, तो शब्द बनता है बुद्धिमान। देखिए यहाँ पर परीक्षा शब्द है, परीक्षा में पहला ही वर्ण जो है वो प है, अ र ध उसको हलंत लगाया, बड़ी की मात्रा दी है इसलिए बड़ी का स्वर यहाँ पर लिखना है। उसके बाद देखो क्ष, यहाँ पर क्या है, क्षा, क्षा है, तो जिस तरह से उच्चारण आता है क्षा उस तरह से आपको लिखना है, पहले क आता है उसके बाद श उसके बाद आ, तो जो क्षा तैयार होता है वह क और श मिलकर तैयार होता है और उसमें कौन सा स्वर है, आ का स्वर है, तो यहाँ पर शब्द बनता है परीक्षा। किस तरह देखिए, प धन अ धन र धन ई धन क धन श धन आ, तो शब्द बनता है परीक्षा। तो ये हुए हमारे वर्ण विच्छेद, इस तरह से वर्ण विच्छेद करना है, और भी उदाहरण है उसको हम अभी देखेंगे। देखिए यहाँ पर छठा शब्द है कवयित्री, क्या शब्द है, कवयित्री, तो इस शब्द में पहला जो व्यंजन है वो है क, उसमें अ का स्वर छिपा हुआ है, उसके बाद है व, यह व्यंजन है उसमें भी अ का स्वर छिपा है, उसके बाद आता है य, क्या आता है य, इसमें कौन सा स्वर छिपा है, छोटी का स्वर छिपा है। उसके बाद है त्र, यहाँ पर देखो त्र यह संयुक्त व्यंजन है, दो संयुक्त व्यंजन एक दूसरे से मिलकर यह व्यंजन तैयार हुआ है, तो इसमें आता है पहला त उसके बाद र उसके बाद जो स्वर छिपा है इसमें ई का, बड़ी ई का, वह आगे लिखना है, तो यह शब्द बन वर्ण विच्छेद बनता है क धन अ धन व धन अ धन य धन ई धन त धन र धन ई, तो शब्द बनता है कवयित्री। सातवां शब्द है दर्शन, देखो यहाँ पर पहला जो वर्ण है वो द, उसमें अ का स्वर छिपा है, उसके बाद दर्शन, अब यहाँ पर र कहीं दिखाई नहीं देता, तो यहाँ पर जो रफार है ऊपर वही र का रूप है, तो पहले उसको लिखा जाएगा क्योंकि उच्चारण में वही पहला आता है। देखो उसके बाद श, इसमें अभी अ का स्वर है, और उसके बाद न, न यह व्यंजन और अ स्वर, तो शब्द बनता है दर्शन। देखो द धन अ धन र धन श धन अ धन न धन अ, शब्द बना है दर्शन। उसके बाद है कृपाण, क, इसमें अभी क्या है, देखो यह जो स्वर है वो री का स्वर है, री का स्वर है, तो यहाँ पर क्री बना है क्रू। उसके बाद प, इसमें आ का स्वर है, उसके बाद है ण, उसमें उसको हलंत लगाया और उसका स्वर लिखा, तो यहाँ पर देखिए क धन रु धन प धन आ धन न धन अ, शब्द बना है कृपाण। उसके बाद है स्वस्थ, देखिए स्वस्थ शब्द है, इसमें पहला है स,
स आधा ही है, उसको व से जोड़ा गया है, व भी आधा हुआ है यहाँ पर, और उसमें जो स्वर है अ का वो आगे लिखा है। उसके बाद यह फिर से स आया है, वो भी आधा है, उसे थ से जोड़ा गया है और इसमें अ का स्वर छिपा है। स धन व धन अ धन स धन थ धन अ शब्द बनता है स्वस्थ। उसके बाद दृष्टि शब्द क्या है, दृष्टि। तो यहाँ पर देखिए द में री का स्वर छुपा है, रू का स्वर छिपा है। उसके बाद है श, श वो ट से जोड़ा गया है, ट से जोड़ा गया है और इसमें जो जो स्वर छिपा है वो पहली ई का है, छोटी ई का है। तो देखो वर्ण विच्छेद बनता है द धन रू धन श धन ट धन ई, तो यह शब्द बना दृष्टि। तो इस तरह से वर्ण विच्छेद किया जाता है। आपको यह वर्ण विच्छेद समझ में आया होगा। इसी तरह के और उदाहरण मैं आपको अभी दे रहा हूँ, उसको आपके नोटबुक में पूरा करना है। देखो यहाँ पर प्रश्न दिया है, वर्ण विच्छेद करो। इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है। जिस तरह से आपको इस वीडियो में दिखाया गया है उसी तरह आपको इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है। तो यहाँ पर शब्द है भोजन, दूसरा है चिट्ठी, बिल्ली, वृक्ष, स्पर्श, धनाढ्य, प्रगति, दीवार, क्षमा और स्वर। इन सभी शब्दों को आपको नोटबुक में लिखकर उसका वर्ण विच्छेद करना है। तो देखिए फिर से एक बार इस शब्दों को। देखो हमने अभी वर्ण विच्छेद किस तरह से करते हैं, वर्णों को किस तरह से अलग अलग करते हैं शब्दों से, या इस वीडियो के द्वारा हमने सीखा। तो यहाँ पर हमारा वर्ण विच्छेद यह व्याकरण समाप्त होता है। धन्यवाद।